गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। और अभी सुबह का हो रहा है 7:30 हो रहा था। हाँ, टाइम अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं शाम को वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी कुछ भी नहीं हुआ है, नाश्ता नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, झाड़ू पोछा कुछ नहीं। सीधे उठे और चाय पी है हमने सुबह की। उसके बाद मैंने हनी के पापा से कहा कि आप चादर चेंज कर लो, बेड दूसरी लगा लो, और मैं और कुछ काम करती हूँ। फटाक से इसको चेंज करके फिर मैं भिगाने के लिए डाल दूँगी कपड़ों को। तो बस ये चेंज हो चुका है, तो बेडशीट वगैरह सब चेंज करने के बाद नाश्ता करके मैंने नाश्ता के सारे बर्तन धो दिए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू झूड़ू करने के लिए। और बस सिर्फ एक चाय का पॉट था, वो सिर्फ वो बचा हुआ है धोने के लिए, आप देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी, मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ, पोछा कर देती हूँ। और कभी भी कुछ भी रखो तो पानी नीचे आ जा रहा है ना, गीला गीला हो जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं बहुत सारे ये पॉलीथीन है उनको बिछा देती हूँ, जिन पे ये आटा चावल आता है। और मैंने लाइजॉल डाल दिया है, उससे पोछा मार रही हूँ। तो अगर आपके घर में आप भी लाइजॉल या फिनाइल जो भी आपके घर में, आप उसको डाल के पूछा करिए। अगर लाइजॉल नहीं है तो आप फिनाइल ज़रूर रखिए अपने घर पे। और ये देख सकते हो आप, ये चावल और आटे की बोरियां हैं, बोरियां नहीं है मतलब उनके वो हैं पॉलीथीन, क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से भी अट जा रहा है। और इनको बिछा के अच्छा सा रहता है ना, कुछ चीज़ भी गिर जाए तो उठा के इनको सही कर दिया, या फिर मतलब बर्तन वगैरह भी गंदे नीचे से सीला नहीं पकड़ती, ख़राब नहीं होते, होता नहीं है नीचे जब आप बर्तन बुर्तन रख देते हो तो ऐसे स्टील के जैसे बर्तनों पे नीचे से अजीब सा हो जाता, ऐसा लगता है जैसे लोहे पे लगती है ना खाई टाइप, क्या बोलते हो उसको, उस टाइप का लग जाता, फिर वो साफ़ नहीं होता। इस वजह से मैंने कहा चलो इनको बिछा देती हूँ, ये दुनिया भर के पड़े हुए हैं। और आज हनी के पापा कह रहे तूने सारे ड्रम इधर उधर कर दिए, एक में आटा है और एक में वो सारी चीज़ें रखी रहती है, जैसे विम बार, नहाने का साबुन हो गया, हनी के साबुन हो गए, और चाय पत्ती, सारी चीज़ें इसमें रखी रहती है, छोटी बड़ी जो भी है। तो मैंने इधर उधर कर दिए थे, और ये प्याज टमाटर वाले दोनों मैंने इधर रख दिए थे, और टाइम मैंने उधर रखे रहते सिलेंडर के वहाँ पर। तो आज पूरा चेंज हो गया है, और चेंज अच्छा होता है ना। तो अभी मैं किचन में झाड़ू करूँगी थोड़ा। ये नया झाड़ू ले रखा है, वो छोटा सा हो गया था, वो पूरा टूट गया था, तो इसमें झाड़ू मारने के लिए अच्छा तो हो रहा है, लेकिन इसके पूरे बारीक बारीक से पता नहीं क्या गिर रहे हैं। और मैंने कहा चलो कभी कभार कमरा भी, वैसे जाले लगते नहीं है, जिस कहते हैं ना जहाँ इंसान रहते हैं कमरे खुले रहते हैं हवा आती रहती है वहाँ जाले नहीं लगते, लेकिन तब भी झाड़ लेना चाहिए। आजकल मच्छर मुच्छर की डर होती है, तो सफाई अपने हाथों पे है। और वो छोटा वाला झाड़ू था इसलिए उससे हो नहीं पाता था, तो ये बड़ा वाला झाड़ू है। और ये देखो हनी देख रहा है टीवी, तो सफाई अब करूँगी मैं इसके। तो किचन का सारा काम निपटा के आ गई हूँ मैं, झाड़ू पोछा और सब कुछ चटाई चटाई बिछा बुछा के आ गई हूँ। 12:15 के करीब हो रहा है, और ये हनी के पापा नहाए थे, हनी के पापा के कपड़े हैं, चादर वगैरह मैंने सुबह से भिगो के रखी हुई है सर्फ एक्सल में। और सर्फ एक्सल में भिगाने से फ़ायदा एक चीज़ होता है, साबुन अगर कहीं पे ना भी लगे तो कपड़े साफ़ हो जाते हैं, और है ना, लेकिन साबुन ज़रूर लगाती हूँ मैं। और मशीन रखने की यहाँ पे जगह नहीं है, वरना कब काम लेके आ जाते मशीन, क्योंकि ये होता ना बच्चे के साथ कभी कभार। वैसे धोने को तो हाथ से सबसे बेस्ट है, भगवान ने हाथ दिए हैं तो वो बेस्ट है ना। और लेकिन ये है कि बच्चे के साथ कभी बच्चा परेशान कर दिया तो मशीन में डाल दिया, अपना और काम कर दे। और हमारा बाथरूम इधर को है, कमरे से इधर है, तो ये होता कि हनी रूम पर और मैं इधर कपड़े धुलूँगी तो हनी परेशान करता है, फिर अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आज हनी के पापा घर पे थे तो मैंने कहा चलो चादर चूजा सब धो देती हूँ। और चादरें तो आजकल आप लोग समझ सकते हो, बेडशीट हमेशा ही चेंज करनी चाहिए, दो दिन के बाद हमेशा बेडशीट चेंज करनी चाहिए, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। मैं मतलब कम से कम 3 या 4 दिन रखती हूँ बेडशीट, अगर मेरे साथ दूसरा कोई रहता तो शायद मैं 2 दिन के बाद हमेशा बेडशीट चेंज कर देती।
तो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि टाइम देखना पड़ता है हनी के साथ। और बस ये कपड़े मैंने धुल दिए हैं, उसके बाद मुझे करना है पूरा बाथरूम साफ। तो कपड़े धो के अभी मैंने डाले नहीं है, यहाँ गैलरी में रखे हुए हैं। और दो हफ्ते करीब हो गए होंगे मैंने बाथरूम साफ नहीं किया था। और गंदा हो जाता है ना, जहाँ यूज करो जो चीज़ तो गंदी तो हो ही जाएगी। और जो कपड़े वाला पॉलीथीन होता है ना, मैंने उस पर हल्का सा साबुन रखा हुआ है, छोटा टुकड़ा था कपड़े धोने वाला साबुन का, उससे मैं पूरे उसको साफ़ कर रही हूँ। और झाड़ू से जो नीचे की कोने कोने हैं उनको साफ़ कर रही हूँ। तो पहले ऐसे होता था ना, हनी के पापा की ड्यूटी नहीं होती थी तो संडे को घर पे रहते थे, तो संडे के दिन मैं ये सारा काम कर लेती थी। और अब क्या हो गया कि जो ये लॉकडाउन की वजह से जो ड्यूटी लगी है वो संडे को भी छुट्टी नहीं होती है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। और आज ये घर पे थे तो इसलिए, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मार्केट बंद है, तो इसलिए ये आज गए नहीं। रिपोर्ट मार्केट की देनी पड़ती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कैसा सामान जा रहा है, दुकानदार कैसे दे रहे हैं, तो उसमें इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो आज बंद था तो इसलिए गए नहीं। और आप देख सकते हो मेरे कपड़े कितने भीगे, क्योंकि इसके बाद मैंने नहाना है और गैलरी साफ़ करनी है, बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं सुबह से। पहले आगे फ्रंट वाला बरामदा साफ़ किया, बहुत बड़ा बरामदा है, कभी देखा होगा आप लोगों ने जब मैं कपड़े डालती हूँ, तो वो पूरा क्लीन किया, झाड़ू मारा, फिर पानी से धुला, झाड़ू पोछा किचन का, और फिर कपड़े धुले। अभी यहाँ बाथरूम क्लीन, अब बहुत चमक गया है बाथरूम। और अब करूँगी मैं गैलरी साफ। तो मैंने पूरा बाथरूम क्लीन कर दिया था और अब आ गई हूँ मैं गैलरी में। तो ये जो गैलरी है वो जहाँ लैट्रिन बाथरूम है हमारा, वो वाली गैलरी है, बहुत लंबी गैलरी है ये। और यहाँ तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन है ना गंदा हो जाता। मैं अंदर बाथरूम जब क्लीन कर रही थी तो पानी गिर गया था, इसलिए मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और सामने आप देख सकते हो सीमेंटेड हो रखा है ना जो दीवार, तो वो जस्ट कुछ दिन पहले ही मकान मालिक ने काम करवाया था। यहाँ पे पहले सेटर था, वो लोहे वाली सेटर नहीं होती वो थी, तो अब हटा दिया है मैडम ने वो। और अब अंधेरा सा हो जाता है पूरी गैलरी में, इसलिए मैंने लाइट खोली हुई है। पहले बिल्कुल उजाला अच्छा रहता था, पानी गिरता था तो सूख जाता था, लेकिन अब बहुत नहीं सूख पाता है जल्दी से। और लेकिन सही है, बंद किया है तो ठीक है, नहीं तो रात के टाइम पे सीधे नजरें बाहर जाती थी अंधेरा सा। और एक सेटर सामने से एक सेटर बैक में था, तो अब बैक ये बंद हो चुका है, तो ठीक हुआ जो भी हुआ। और आप मेरे को देख सकते हो मैं पूरी भीग चुकी हूँ, तो इसके बाद मैं नहाना धोना होगा मेरा। और बस एक करीब हो चुका होगा, आई थिंक एक करीब तो हो ही गया होगा, मैंने टाइम नहीं देखा क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 घंटे करीब हो गए होंगे बाथरूम का काम करते करते, कपड़े धोना, उनको छलना, उसके बाद बाथरूम क्लीन करना, फिर गैलरी साफ़ करना। और जो फ्रंट वाला एरिया है, आपको आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा जब मैं कपड़े डालती हूँ, वो भी मैंने सुबह साफ़ किया था, बहुत बड़ा एरिया है ये आगे पूरा है। तो चलो फिर, और कौन सा कैमरा खुल गया, पीछे धुंधला सा दिखाई दे रहा और आगे सिर्फ मैं फोकस हो रही हूँ। और मैं अभी जस्ट नहा धो के कपड़े धो के आ गई हूँ, टाइम हो गया एक सेकंड यार, अब ठीक हो गया। और सुबह से मैं अभी मिल पा रही हूँ आप लोगों से, सुबह से इतना काम हो गया था, सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, फिर कपड़े धोना, उसके बाद बाथरूम साफ़ किया, गैलरी साफ़ करी, खुद नहाई, कपड़े धुले। और अभी फ्री हुई हूँ, अब हनी के लिए मैंने पानी लगा के रखा। आज हनी के पापा ने मेरे हेल्प करी खाना बनाने में, उन्होंने खाना बना के रखा था, खाना बन चुका है। और हमने कहा खाना तब खाएंगे, तब तक हनी को नहला देते पहले, है ना, ऐसे टाइम पे कोई हेल्प कर दे तो ये हेल्प सच में ऐसा लगता कि बहुत बड़ी बात हो जाती है ये वाली हेल्प, जब आप थक जाते हो और आपकी हेल्पफुल करता है, जहाँ पे आपको सच में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो है ना उसमें खुशी भी मिलती है। और टाइम पे कोई हेल्प ना भी करे तो चलता है, ऐसा नहीं है हनी के पापा हर टाइम पे हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइम हो। और ऐसी सफाई बस हफ्ते में ही हो पाती है जब घर पे कोई हो, वरना हनी के साथ इम्पॉसिबल है, 1-2 घंटे लग जाते हैं यार सफाई करते करते। अगर सफाई करना है तो बिल्कुल क्लीन, है ना। और बस यही कह रही थी मैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये देखो कितनी खतरनाक वाली धूप लगी है।
तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगता है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और तो चलो फिर मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।